शहर में जिधर भी जाएं झुग्गियां जरूर नजर आती हैं। कुछ लोग तो मौशी तंगदस्ती के बायस पक्के मकानों की जगह झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं, जबकि ज्यादातर ऐसे हैं जिनका जिंदगी गुजारने का अंदाज ही यही है। ऐसे लोगों को खाना बदोश या पक्षीवास भी कहा जाता है। शहरी इदारे अक्सर झुग्गियों के खिलाफ ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन झोंपड़पट्टियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। सब्जादार का शुमार LDA की चंद अच्छी स्कीमों में किया जाता है और यहाँ 2500 से जायद झुग्गियां कायम हैं। इन झुग्गियों की वजह से सब्जादार का एक अच्छी रिहायशी स्कीम का तासुर खत्म हो रहा है। इनके अपने घर है पीछे मौजूद, ये किसी की जगह पे बैठे हुए हैं, ये इनकी अपनी जाती छत नहीं है, ये जगह इनकी अपनी नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। पी ब्लॉक में करोड़ों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टी है, उसका कोई परेशानी हाल नहीं है। वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से झुग्गियां लगी हुई, इतनी झुग्गियां हैं कि जब हम अपना कोई काम लेके जाते हैं, किसी गांव को ले जाते हैं, मेरी अपनी जाती इन्वेस्टमेंट है, वहाँ लेके जाते हैं, झुग्गियां देके लोग भाग जाते हैं कि हम झुग्गियों में कहाँ प्लाट खरीदेंगे। ये 1-1 करोड़ रुपए का प्लाट है, यहाँ लोग बैठे हैं, जब कोई दिखाने के लिए आते हैं तो ये आगे जब झुग्गियां देखते हैं वैसे लोग भाग जाते हैं। हम खुद जो है ना वो भी नमाज पढ़ के निकलते हैं तो इनके बैतुल खुला वगैरह ये सब कुछ ओपन होता है, तो बच्चे भी नंगे फिर रहे होते हैं, हम खुद बड़े, हमारी लेडीज़ वगैरह घर की औरतें यहाँ से गुजरती हैं, तो हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि यार ये लोग क्या माहौल है यहाँ का। नस्ल दर नस्ल झुग्गियों में परवान चढ़ने वाले खाना बदोशों का कहना है कि वो सब्जादार स्कीम बनने से कबल यहाँ रिहायश पजीर हैं। अगर उन्हें उठाना ही मतलूब है तो हुकूमत अपना वादा पूरा करे और बेघरों को घर दे। असी सब्जादार दे उदू दे आए हैं जदों सब्जादार बनी नहीं सी मुकम्मल, असी हुकूमत ने कहा 3-3 मरले या 5-5 मरले स्कीम असी गरीबों नूं देंगे, आबाद करांगे। साड़ियां झुग्गियां लगियां ने, जदों कोई प्लाट आंदा असी प्लाट खाली करके अगले प्लाट टुर जांदे आ, साडा कोई टिकाणा नहीं, कोई लैणा नहीं देणा नहीं हैगा जी। सानू हुकूमत कोई देवे प्लाट जिथे असी अपना गुजारा गुजारा कर ली, पुलिस आंदी है ना सानू धक्के मार दी है, बाहर कर दिंदी है। सब्जादार पुलिस के मुताबिक स्कीम में होने वाले जुराइम में से 90% के जिम्मेदार ये खाना बदोश हैं, जिनका माजी किसी को मालूम नहीं होता और मुजरिम का पता लगाना मुमकिन नहीं होता। अगर इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए तो जुराइम में वाजिह कमी आ सकती है। इनके खिलाफ काफ़ी एप्लीकेशन भी जो सोसाइटीज हैं, जो रहायशी लोग हैं, उन्होंने दी हैं, क्योंकि इनके ज़्यादा 80% लोग जो हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जो पकड़े भी गए हैं, और यहाँ अगर हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं पर पता लगता है तो वो अपनी झुग्गी लेकर गायब हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता वो किधर गए हैं। इस वजह से इनके खिलाफ हमने ये सोसाइटी से मिलकर और LDA की मदद से तकरीबन 2-2.5 हज़ार झुग्गियाँ थी, जिनमें से तकरीबन 80% रिमूव करवा दी गई हैं और 20% जो रह गई हैं वो भी आस्ता आस्ता रिमूव करवा रहे हैं। तो इनसे तकरीबन ये 1 महीना हो गया हमें इसमें ऐसे करते हुए, इसका काम करते हुए, और ये इससे काफ़ी क्राइम में फ़र्क देखने में आ रहा है, क्राइम में जो डिक्रीज हो रहा है। रिहायशियों, प्रॉपर्टी डीलर्स, LDA और पुलिस का मौकफ अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मसले का हल झुग्गियों की मसमारी और लोगों की बेघरी है, ये अपना सामान उठाकर किसी और जगह डेरे डाल देंगे। इनको किसी जगह मुस्तकिल बसा कर ही झुग्गी कल्चर का खात्मा किया जा सकता है। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ दुरैन आयाब, सिटी 42, सब्जादार।